हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे, जो इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है शैडो, छाया जिसको कहेंगे हम लोग। छाया आप लोग सब लोग जानते होंगे, आप सबका भी एक एक छाया जरूर बनता होगा। तो हम लोग छाया के बारे में जानते हैं। तो जब प्रकाश के गमन पथ पर, यानी के जिस रास्ते पे लाइट गुजरती है, जिस रास्ते से कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, उस रास्ते में जब कोई अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी इससे पहले वाले वीडियो में आप उसको जान चुके हैं, जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश वस्तु से पार नहीं कर पाता है और ठीक उसके पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है, जगह बन जाता है, उसी अंधेरे क्षेत्र को हम लोग छाया कहते हैं। तो बहुत ही इजी था ये, हम लोग छाया को बहुत अच्छे से जानते हैं और हम लोगों का भी एक एक छाया बनता है। फिर हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन को पढ़ना है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या समतल सतह पर पड़कर, जब लाइट जो है किसी भी चिकनी हो या समतल यानी के बराबर सतह पर पड़कर उसी ओर वापस लौट आती है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जब लाइट जो है किसी भी चिकनी सतह पर पड़कर उसी क्षेत्र वापस लौट जाएगी, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे समझना हो, अगर ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक बिल्कुल चिकनी सतह है और इस पे अगर हम लाइट डालेंगे, रोशनी डालेंगे, तो इस पे पढ़ने के बाद ये इसी ओर वापस मुड़ के लौट जाएगी, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे जो है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, ये सबसे अच्छी परावर्तक सतह चांदी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में अधिकतर पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे अच्छी जो परावर्तक सतह होती है, जिससे प्रकाश जो है आसानी से परावर्तक हो जाता है, वो होता है आपका चांदी। तो चांदी सबसे अच्छी परावर्तक सतह होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सामान्य परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण, प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा चांदी कुछ महंगी होती है, इसीलिए हम लोग अधिकतर जगह पर परावर्तक के लिए एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर का उपयोग करते हैं। आइए हम लोग परावर्तन को और अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम का उपयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम लोग प्रकाश के परावर्तन को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो आपका दिख रहा है सामने, जो एक लाइनिंग खींची गई है, ऊपर से पेंट किया गया है, ये आपका समतल दर्पण कहलाएगा। ऊपर से जब तक शीशे को पेंट न की जाएगी, तब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो ये आपका समतल दर्पण हो गया। ये आप देख रहे होंगे, ये आपतित किरण है, यानी जो जिस किरण को हम लोग समतल सतह पर डालेंगे उसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे, और समतल सतह पर पड़कर जो वापस लौट जाएगी उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यानी टॉर्च के माध्यम से हम लोग किसी भी शीशे पर जो रोशनी डालेंगे, वो जो एक किरण जाएगी उसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे, और शीशे पे पड़कर जो वापस लौट आएगी उसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, समतल सतह पर आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु से ठीक नीचे की ओर जो रेड कलर में डाला गया है उसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। आप लोग नोटबुक में कोई भी अलग अलग पेन का उपयोग ना करके एक ही पेन का उपयोग करेंगे, यहाँ पे आपको समझाने के लिए अलग अलग मार्कर का, अलग अलग रंग के मार्कर का उपयोग किया जा रहा है। तो ये अभिलंब हो जाएगा आपका, जो कि आपतन बिंदु से ठीक नीचे आया गया है। अब यहाँ से जैसे ही ये आपतन अभिलंब डाला गया है, आपतित किरण
और परावर्तित किरण को दो अलग अलग घरों में विभाजित कर देता है। तो ये जो घर दिख रहा है जहां पे पहला कोण बनेगा इसको कहते हैं हम लोग कोण आई, यानी कि आपतन कोण। और दूसरा जो कोण बन रहा है वो आपको दिख रहा होगा इसको कहेंगे हम लोग कोण आर, यानी कि परावर्तन कोण। तो हम लोग अभी इसके बारे में अच्छे से परिभाषा सहित आगे पढ़ेंगे जो हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो आय का बिंदु इस तरह से है आपतित किरण। यहाँ पे अभी हम लोग एक सिंबल की सहायता से अभी हम लोग प्रकाश के परावर्तन से जुड़े हुए जो भी बिंदु थे उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे जो आपको सामने दिख रहा होगा। बारी बारी से हम सब के बारे में डिटेल रूप से जानकारी लेते हैं। तो आपतित किरण है आपका सबसे पहला, यानी के इंसिडेंट रे। वह किरण जो दर्पण पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम की सहायता से जब बताया गया था वहां आप देख सकते हैं। दूसरा है आपका आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, यानी दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद है आपका परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, जो रिटर्न होती है दर्पण से पड़कर, यानी कि वह किरण जो दर्पण से टकरा कर वापस लौट जाती है उसे ही हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। इसके आगे आपका है अभिलंब, सब के बारे में अभी हम बताए थे आपको, फिर भी यहाँ पे आप इसकी परिभाषा सहित डिटेल रूप से इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। नॉर्मल, वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु से नीचे की ओर खींची जाती है उसे अभिलंब कहते हैं, जो हमेशा बिल्कुल सीधी होती है और 90 डिग्री कोण बनाती है। उसके हम लोगों को पढ़ना है आपतन कोण, यानी के एंगुलर ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद आपका परावर्तन कोण, एंगुलर ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी के जो रिफ्लेक्ट होता है उसके साथ जो कोण बनता है उसी को हम लोग कहेंगे आपका परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोटबुक में लिख के आसानी से एक दो बार पढ़िएगा, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। फिर आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो आगे जो पढ़ना हम लोग को वो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं और दोनों नियम फिक्स होता है। जैसे ये पहला नियम है, इसको हमेशा पहला ही बोलेंगे, ये आपका दूसरा नियम है। कभी भी पहले को दूसरे में, दूसरे को पहले में अगर बोल दिया जाए तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो पहला नियम इस तरह से है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, यानी के एक ही ओर होता है। तो आपतित किरण जो हम लोग डालते हैं दर्पण पे रिटर्निंग होता है उसको परावर्तित किरण, और अभिलंब खींचते हैं वो सब जो है तीनों जो है दर्पण के एक ही ओर होता है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जी हाँ, कोण आई जो है कोण आर के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ।